हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज मैं लेकर आया हूँ स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो एक ऐसी गाड़ी है जिसकी डिमांड जब से ये आ रही है ना, ये तो आपको न्यू शेप मिल रही है, फिर भी BS4 वेरिएंट है, BS6 नहीं है। तो जब से ये आ रही है तब से इसकी डिमांड सेम ही रही है, मतलब डिमांड कभी कम नहीं हुई इसकी। लाख बुराइयाँ हो इस गाड़ी में, बॉडी रोल की दिक्कत, बिल्ड क्वालिटी की दिक्कत, बट ये गाड़ी मार्केट में चलती ही है। तो आज प्री ओन्ड स्कॉर्पियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, एसेट वेरिएंट ये रहने वाला है, ठीक है। अमन भैया से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, आप सब लोग भली भांति जानते होंगे अमन भैया को। कैसे हो भैया? बस बढ़िया, आप बताओ। तो इनकी ही ये गाड़ी है और इनके काउंटर पे आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले भैया से बेसिक डिटेल्स लेते हैं इस गाड़ी की, फिर मैं आपको एक बार इस गाड़ी का वॉक अराउंड भी दूंगा कि कैसी है ये गाड़ी। भैया बताओ। भैया 2015 मॉडल है, ठीक है। वेरिएंट S8 है पर ये S11 बनी हुई है अलॉय व्हील लगा के, ठीक है। हाँ, अलॉय व्हील आप देख सकते हो, वैसे ही व्हील बेस स्कॉर्पियो का काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, बट अलॉय व्हील लगने के बाद इसके लुक्स एज वेल एज इसकी ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी ज़्यादा एनहेंस्ड लग रही है। और क्या भी है? सेकंड ओनर है भैया, 98,000 चली हुई है, जेन्युइन चली है, जेन्युइन। डीजल होगी नहीं तो? हाँ डीजल ही आती है स्कॉर्पियो। अच्छा, डीजल स्कॉर्पियो 98,000 वाजिब है, 6 साल में 98,000 चल सकती है, समझ आता है। दिल्ली नंबर ये रहने वाला है, नंबर इसका है 5428। BS4 वेरिएंट रहने वाला है, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो वाइट कलर ये रहने वाला है भैया, पेंट वेंट का क्या हिसाब किताब इसका? भैया मैं आपको बता देता हूँ, पूरी वैसे जेनुअन है पर आगे पीछे के बम्पर और ये गुलाई दिख रही है आपको? हाँ हाँ, ये पेंट है इस साइड, राइट हैंड साइड वाली। हाँ, ये भी वैसे मैं आपको बता दूँ, बॉडी में काउंट नहीं होती ये चीज़, क्योंकि ये फाइबर का पार्ट अलग से लगा के रखते हैं, ये निकल जाता है बाहर, इसके नीचे ये मेटल का पार्ट होता है। तो ये पूरी पेंटेड है क्या वहाँ आगे? गुलाई पेंट है, आगे पीछे के बम्पर पेंट है, राइट हैंड साइड से दोनों गुलाई पेंट है। अच्छा अच्छा, राइट हैंड साइड की पेंट है, उस साइड की पेंट भी नहीं है। अच्छा, तो 98,000 चलने के बाद आपने ये गाड़ी चलाई भी होगी लेने से पहले, बिल्कुल, बिल्कुल। कैसा लग रहा है आपको, मतलब पावर वगैरह कुछ इसकी कम? आपको तो पता ही है महिंद्रा की स्कॉर्पियो तो कितनी चलती है, एमहॉक इंजन आता है इसके अंदर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मतलब 98,000 अभी ये चल चुकी है, और माइलेज का क्या हिसाब किताब रहता होगा इसका? डीजल में ये दे देती है, लोकल में आप 15 से 18 के बीच में। अच्छा, हाँ जी, 15 से 18 के बीच में। बाकी ऑफ रोडिंग भी आप आराम से इसके अंदर कर सकते हो। अलॉय व्हील्स आपको इसके साथ मिल जाएंगे या ये बाहर से लगाए हुए? मतलब मिलेंगे ना कस्टमर को जो भी लेगा? हाँ, ऑब्वियसली मिलेंगे, ऐसी एज इट इज मिलेगी। तो ये गाड़ियाँ मेनली यूज्ड होती हैं, मतलब जैसे लेह लद्दाख वगैरह लेके आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। ऑफ रोडिंग करने का जिनका शौक है, जो हमारे यूथ है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है इस गाड़ी को, तो आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हो। इस टाइम स्कॉर्पियो एसेट का क्या प्राइस चल रहा है? ऑन रोड प्राइस है इस टाइम पे 15,60,000, 15.5 लाख रुपए की इस टाइम पे अगर आप लेने जाओगे तो ये मिलेगी। तो भैया कितने पैसे बचवा देंगे हम इनके? लगभग मैं बचवा दूंगा आपके 6-7 लाख रुपए बचवा दूंगा। मतलब आधे रेट में दे दोगे? लगभग रेट में तो नहीं, पर हाँ 6 लाख रुपए तो बचवा दूंगा आपके। अच्छा, तो आपको थोड़ा बहुत प्राइस का आइडिया लग चुका होगा, ठीक है। मैं इस गाड़ी का आपने एक्सटीरियर तो लगभग देख ही लिया, क्लीन लग रही है वैसे गाड़ी, कहीं लगी होगी एक्सीडेंटल? एक्सीडेंट का क्वेश्चन ही मत करा करो भैया मेरे साथ, तो एक्सीडेंट में बेचता ही नहीं हूँ। एक्सीडेंट का क्वेश्चन ही मत करा करो, एक्सीडेंट गाड़ी में रखता भी नहीं हूँ। और इंजन का जो आपकी, इंजन और एक्सीडेंट का कभी मेरे से क्वेश्चन मत, पर आपको बताना जरूरी है ना, आप इंजन वारंटी सारे नहीं देते, तो आपको बताना जरूरी, आप दे रहे हो तो आप बताओ। इंजन वारंटी मेरी 3 महीने की हमेशा गाड़ी में रहती है, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, सारी एक्सीडेंट की लाइफ टाइम वारंटी होती है, एक्सीडेंट कहीं से नहीं होती, ठीक है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा कि एक बार बोनट ओपन कर दिया जाए और एक बार इसका हम इंजन नॉइज सुनाते हैं कि जो महिंद्रा स्कॉर्पियो का डीजल एमहॉक इंजन है वो कितना ज़्यादा आपका जो नॉइज है वो प्रोड्यूस करता है। ये रिचा भी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी इसकी है, लेकिन देखा जाए तो भाई गाड़ी अभी जब रोड पर चल के आ रही थी ना, तो रोड प्रेजेंस में इसका कोई मुकाबला नहीं है, मतलब स्कॉर्पियो की बिल्कुल होड़ नहीं है कोई। आपको पैड्स मिले हुए हैं ताकि अंदर भी ज़्यादा नॉइज़ ना आए। भैया इंजन को एक बार ऑन कर दो, ये आपका एमहॉक इंजन आपको इसके अंदर मिल जाता है, काफ़ी बड़ा पावरफुल इंजन आपको इसके अंदर मिलता है, और अंदर से भी जो गाड़ी है वो क्लीन ही लग रही है, बाकी तो चलाने पे ही पता लगेगा आपको। तो ऐसा कुछ आपको इतना नॉइज़ मिल जाता है,
बाकी अंदर आपको कम ही मिलेगा, आप देख लो, मतलब कैमरा भी कितना जस्टिस कर रहा हो, आपको पता लग रहा होगा कितना नॉइज़ इसके अंदर मिल रहा है। वाइब्रेशन थोड़ी बहुत अंदर मिलती है, बट जो मेन चीज़ है वो तो आपको चलाने के बाद ही पता लगेगी। तो आप काउंटर पे आके एक बार गाड़ी को चला कर देखो, खुद से तसल्ली करो अपनी, उसके बाद ही गाड़ी को कंसिडर करना कि आप लेना चाहते हो कि लेना चाहते हो। तो एक बार मैं चाहूँगा कि इंटीरियर आप लोग देख लो कि इंटीरियर कैसा मिलता है। इंटीरियर में आज सच कुछ करा नहीं रखा, अलॉय व्हील के अलावा मेरे को ज़्यादा कुछ काम इसके अंदर लग नहीं रहा। फैब्रिक सीट जैसे कंपनी से आती हैं वैसी ही लगी हुई हैं। स्टेयरिंग की मैं बात करूँ तो कोई माउंटेड कंट्रोल्स आपको इसके अंदर नहीं मिलते, कंपनी फिटेड स्टीरियो इसके अंदर आपको मिल जाता है। भैया इसका जो फ्रंट वाला ग्लास विंडशील्ड है ये क्रैक्ड है, तो फिर ये आप चेंज करा के दे देंगे? तो ये भैया आपको चेंज करा कर ही देंगे, आपको कुछ भी उसमें सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। चाबी कुछ आपको ऐसी मिल जाती है, सेंट्रल लॉकिंग इस गाड़ी के अंदर लगी हुई है, मतलब बाहर से लगी है बट सेंट्रल लॉकिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगी। इसके अंदर आपको 5 स्पीड का गेयरबॉक्स मिल जाता है और 5 लोग तो इसमें आपको इजीली बैठ सकते हैं, इसमें आराम से 5 लोग बैठ जाएंगे। उसके अलावा अगर आप 2 बच्चे बिठाना चाहो तो आप पीछे बिठा सकते हो। भैया इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये बेस ट्यूब वगैरह भी लगी हुई है, तो ये आप साथ में दे दोगे? एज इट इज़ देंगे भैया, जैसी है ना ये गाड़ी। हाँ एज इट इज़ देंगे, इसमें कोई कुछ नहीं निकालेगा। तो ये आप देख लो कौन सा मॉडल है, जितने को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इमेजो सिस्टम के बारे में, तो GTX 1150T JBL की आपको बेस ट्यूब इसके अंदर आपको मिल जाएगी। ये भी भैया आपको दे देंगे। पीछे स्पीकर्स भी लगे हुए हैं, शायद आते नहीं हैं कंपनी से, ये अलग से लगा रखे हैं कस्टमर ने। बाकी पीछे डिफॉगस वाइपर आपको मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सारे वर्किंग है ना इसके? सब वर्किंग है। अगर आपको कुछ भी ऐसी दिक्कत लगती है यहाँ पे आने के बाद तो वो भैया करा के दे देंगे। भैया अब जैसे कि आपने बताया 2015 मॉडल है, तो मेरे हिसाब से इस पे लोन भी हो जाएगा। लोन इजीली हो जाएगा। तो लोन किसका होगा? सिर्फ दिल्ली वालों का होगा? सिर्फ दिल्ली वालों। तो लोन पैन इंडिया अवेलेबल नहीं है। अगर आप बाहर से कहीं से देख रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट से, जैसे भैया अभी मेरे को बता रहे थे, उनको साउथ से बहुत ज्यादा कॉल आती है। कैश ले सकते हो पर आप लोन नहीं करा सकते। तो कैश आप आकर यहाँ पे ले सकते हो। क्या क्या बोलते हैं भैया कॉल करके, थोड़ा सा बताओ तो सही। भैया कॉल करके क्या, कोई हैदराबाद से कॉल करके बोल रहा है जिनकी तो आधी लैंग्वेज नहीं समझ आती है कोई केरला से बात कर रहा है, कोई तमिलनाडु से फोन, कोई बैंगलोर से, मतलब साउथ की तरफ से ज्यादा कॉल आती है। नहीं वहाँ पे आपको भी पता होगा, जो मेरे व्यूअर्स से देख रहे हैं उनको पता ही होगा, वहाँ पे गाड़ियों का काफी ज्यादा क्रेज है। क्रेज है वो बात ठीक है, पर ऐसा लगता है ना कि इतनी दूर में बैठा बंदा खाली कॉल कर रहा है, लेने कब आएगा, कब क्या डील होएगी, तो फिर उससे इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है। कम हो जाता है क्योंकि दिल्ली का NCR का बंदा होना तो लगता है कि चल पास का है, बहुत जल्दी आ जाएगा। रिवर्स कस्टमर हो सकता है, साउथ से इंक्वायरी, साउथ से इंक्वायरी करते हैं भैया कौन सा मॉडल है, भैया ये मॉडल है, ये डिमांड है, चलो बताते हैं, बताते हैं, फिर वो बेकार लगता है, बताते हैं कब बताते हैं। मैंने थोड़ा सा वैसे लेते भी हैं लोग क्योंकि उनको पता है दिल्ली में थोड़ा सा थोड़ी सस्ती मिल जाती है, सस्ती गाड़ी मिल जाती है। पर एक कोई बोलता ना कि भैया चलो बताते हैं, वो बताने का मतलब है खाली रेट ही पूछना था इसको, बस और कोई काम नहीं करना था। तो 2015 मॉडल है, मेरा पूछने का मतलब ये था कि लोन इसके ऊपर हो जाएगा, तो कितने मिनिमम पेमेंट देकर स्कॉर्पियो बंदा अपने घर लेके जा सकता है? भैया आप 1.5 से 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देके बाकी का लोन करवा लीजिए। 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम है ये? हाँ 1.5 से 2 लाख डीपी होती है मैक्सिमम। अच्छा, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना रेट है, तो 2 लाख रुपए मैक्सिमम आप डाउन पेमेंट दे सकते हो। ये बाकी का लोन कराना चाहो लोन करवा सकते हो। लोन फैसिलिटी आप लोग देते हैं? हाँ बिल्कुल। डनलॉप के इसके अंदर टायर्स लगे हुए हैं, टायर कितने चल जाएंगे भैया लगभग? भैया अभी तो बहुत है, ये तो 70-80% है अभी तो। हाँ नए लग रहे हैं बिल्कुल टायर। इसमें जो है आपके R17 17 इंची के अलॉय प्लस डनलॉप के टायर्स लगे हुए हैं। है तो वैसे चाइनीज टायर ही, लेकिन इन सब अलॉयज में यही चलते हैं, फिर बड़े उस प्रोफाइल के टायर्स मिल नहीं पाते। लेकिन देखने में बताओ ना, मतलब मैं अगर 1 आंख में देखूं तो गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। देखते गाड़ी हैं। अच्छी नहीं भैया, है अच्छी, गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है। बाकी तो जो आएगा वो चलाएगा। अगर कोई मैकेनिक वगैरह लेकर आना चाहता है, चेक कराना चाहता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ना ना कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस का क्या हिसाब किताब है इसका? सर्विस भैया इसकी आधी बाहर से हुई है, आधी अंदर से हुई है। तो अभी बाहर से हो रही है? अभी अब बाहर से कस्टमर ने कराई थी, अंदर से नहीं। बाहर से? तो सर्विस कितने तक की हो जाती होगी इसकी? सर्विस आप मान के चलो भैया 6-7 हज़ार की हो जाएगी, क्योंकि डीजल इंजन है, थोड़ा सा महंगा होता है। 6-7 हज़ार की मान के चलो, 6-7 हज़ार। तो भैया अगर किसी को ये गाड़ी देखनी हो तो कहाँ आना पड़ेगा? अपने ऑफिस का एक थोड़ा सा एड्रेस भैया बता दो। ये गाड़ी आपको दिल्ली में द्वारका में देखने के लिए मिलेगी, नियर NSIT कॉलेज, Sector 3। ठीक है। वैसे भैया का नंबर नीचे फ्लैश हो रहा होगा, कोई और इंक्वायरी हो तो आप भैया को कॉल करके पूछ सकते हो, और लोकेशन वगैरह भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, तो आप इजीली इनके ऑफिस विजिट कर सकते हो। भैया और कोई गाड़ी हो जैसे किसी को चाहिए हो तो वो सब आप अवेलेबल करा देते हो? अवेलेबल सारी करा। और ये अगर आप चाहो मतलब कैटलॉग वगैरह लेना चाहो तो भैया से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके दे दोगे ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये तो था, मैंने लगता है मोटा मोटा आपको सब कुछ बता ही दिया होगा। बाकी तो भैया देखो जो यहाँ पे आएगा वो अच्छे से देख कर अपना डिसाइड कर पाएगा। ठीक है, तो अब टाइम है कि इस गाड़ी के डिमांड प्राइस का बात करते हैं कि कितने तक की ये भैया गाड़ी छोड़ेंगे।
डिमांड प्राइस बताओ भैया। भैया डिमांड जो मैं इस गाड़ी की कर रहा हूँ वो 9,25,000 पे आस्किंग कर रहा हूँ। 9,25,000 पे आस्किंग है, बाकी नेगोशिएबल ऑन टेबल है। ठीक है, ये नेगोशिएट हो जाएगा। जी जी। बाकी अगर आप हमारे रेफरेंस से आते हैं तो भैया आपको अच्छा खासा डिस्काउंट जरूर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर कोई कमीशन वगैरह कुछ है, आरसी ट्रांसफर वगैरह का वो भी बता दो। डील जहाँ पे भी होती है, ठीक है, वो 9 लाख में हो क्या 8.5, 8.60, 8.70 कहीं पे भी हो, हमारी कमीशन अलग होती है, ट्रांसफर फीस अलग होती है। तो ये प्राइस के अलावा आप कमीशन एक्स्ट्रा लोगे ना? बिल्कुल, कितने बिल्कुल। अगर इंश्योरेंस भी नहीं होती तो वो भी कस्टमर ही कराएगा। तो आपने बता दिया तो फिर इंश्योरेंस बताइए। तो इसका इंश्योरेंस इसका नहीं है, इसका खत्म हो रखा इंश्योरेंस। ठीक है, जो भी लेगा इसकी इंश्योरेंस भी करानी पड़ेगी। कितने तक का इंश्योरेंस हो जाएगा इसका भैया? इसका फर्स्ट पार्टी कराओगे तो महंगा होगा, थर्ड पार्टी कराओगे तो 9,000 का हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव ही करा लो, फर्स्ट पार्टी करा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कितने परसेंट आपकी रहती है कमीशन? भैया 3%। 3% कमीशन रहती है। और आरसी ट्रांसफर चार्ज? आरसी ट्रांसफर चार्ज होंगे इसके 4,500 रुपये। तो ये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जहाँ भी आपकी डील क्रैक होती है, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो देख लो, 9,25,000 के आसपास डिमांड है भैया की। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ज़्यादा अच्छी स्किल्स है बार्गेनिंग, आप बार्गेन करके आप गाड़ी अपने घर लेके जा सकते हो। तो इतना ही था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी ये गाड़ी और ये वीडियो भी। अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो डू लाइक द वीडियो, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और अमन भैया के लिए कुछ अच्छा सा कमेंट करके चले जाना। सो लेट्स एंड दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।